हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैसा कि ठंड का मौसम आ चुका है और मार्केट में साग भी आ चुके हैं, तो ठंड के मौसम में सरसों का साग खाने का अलग ही मजा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरसों का साग। ये मैंने सरसों का साग ले लिया है, आधा किलो मैंने सरसों का साग लिया है और इसमें 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम बथुए लिए हैं। जब भी आप सरसों का साग बनाए उसके आधा मात्रा में उसमें बथुआ ले और सरसों ले, और साथ में मैंने छोटे टमाटर, तीन छोटे टमाटर को काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरसों का साग बनाना। सरसों के साग, पालक और बथुए तीनों को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसे अच्छे से धोएं, इसमें काफी मिट्टी रहती है तो ये किरकिरा सा लग सकता है, इसलिए अच्छे से धोकर इसे मैं अब कुकर में डालूंगी। सरसों का साग मैंने कुकर में डाल दिया है सारे साग को। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल, और इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि साग को मैंने धोया हुआ है तो उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे और कुकर के ढक्कन को बंद कर दे। ये कुकर को मैंने बंद कर लिया है। अब हम कुकर को अब गैस हम जला देंगे। मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है और हाई फ्लेम पे गैस रखा है क्योंकि इसे एक सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे, उसके बाद गैस लो कर देंगे। जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक हम साग में डालने के लिए कुछ चीज तैयार कर लेते हैं, जैसे कि लहसुन, उसमें अदरक डालने के लिए मिर्ची, ये सब काट कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने लहसुन के छिलके उतार कर उसे काट लिया है, हरी मिर्च को भी काट लिया है छोटे छोटे, ये हम सब साग में डालेंगे। और मैंने ये अदरक को क्रश कर लिया है। अदरक कम ही डालें क्योंकि वो ज्यादा डालने से उसका टेस्ट ज्यादा आता है, इसलिए कम ही डालें। ये सब हम साग के बन जाने के बाद उसमें डालेंगे। जब भी आप साग बनाएं आप लहसुन को और हरी मिर्च को और अदरक को ऊपर से साग बनने के बाद उसमें ऊपर से डालें, इससे जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल गांव की तरह आता है। जैसे आप गांव में साग खाते हैं ना, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आएगा। इसलिए जब भी आपको साग बनाना, कोई भी साग आप बनाएं, तो उसमें लहसुन को काट कर और मिर्ची को ऊपर से काट कर ही डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर की सीटी आने वाली है, हम थोड़ा टाइम लगता है साग बनने में। अब इसका हम फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और लो पर तीन सीटी आने देंगे। ये मैं जो आपको साग बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है। जब भी आप जल्दी में साग बनाना चाहें बिल्कुल इसी तरीके से जल्दी बना सकते हैं। इसमें दो सीटी आ चुकी है कुकर में और दो सीटी हम इंतजार करेंगे। इससे क्या होगा ना कि ना साग को मिक्सर में पीसने की जरूरत है, ना उसके लिए आपको किसी चीज से उसे करने की जरूरत है, वो खुद ब खुद हाथ से आप जब इसे मीसेंगे ना तो ये खुद गला हुआ रहेगा। तो अच्छी तरह से गलने के लिए एक सीटी हाई फ्लेम पे और तीन सीटी लो फ्लेम पे लगाएं, इससे साग बहुत ही अच्छी तरह गल जाता है। साग में हमारी तीन सीटी लग गई, अब इसे हम ऑफ कर देंगे। अब हम कुकर के गैस निकलने का वेट करेंगे। जैसे ही कुकर का गैस निकलेगा इसे हम थाली में निकाल लेंगे। कुकर का गैस नहीं निकला है, अब इसे हम कुकर को ठंडा होने छोड़ देते हैं कुछ देर तक ताकि इसका गैस निकल जाए, फिर आगे हम साग में सारा चीज डालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, कुकर हमारा खुल चुका है, इसका गैस निकल गया है। देखिए साग हमारा पूरी तरह गल चुका है, इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए देखिए, आप देख रहे होंगे साग पूरी तरह से गल चुका है और इसमें जो मैंने टमाटर डाला था वो भी गल चुका है।
ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, मैंने पानी डाला नहीं था, फिर भी देखिए देखिए ना ये सटा है और ना ये सूखा है, इसमें पानी है। अभी से हम प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा होने के बाद हाथ से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ऐसे आप चाहें तो इसे चम्मच से, ग्लास से या फिर किसी भी चीज से, जिससे आप इसे अच्छे से मिस लें। ये देखिए साग पूरी तरह से गल चुका है, पर ठंडा होने से हाथ से ही अच्छे से हो जाएगा। तो हम थोड़ा से ठंडा होने का वेट करते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब इसे मैशर से मिस लेंगे। देख रहे हैं ये अभी भी बहुत गर्म है, इसे थोड़ा और ठंडा होने देंगे। तब इसमें हम लहसुन जो काट के मैंने रखा है, लहसुन, मिर्च और अदरक तीनों डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। पर ये ठंडे होने पर थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं। साग हमारा ठंडा हो चुका है, मैंने इसे दूसरे बॉल में निकाल लिया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें अदरक जो मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे। नमक तो मैंने पहले ही डाला था, आप इसे टेस्ट कर ले इसमें नमक कैसा है, उसके अनुसार आप डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा सरसों तेल डाल दें। अब इस सबको मिक्स कर दें साग में। फ्रेंड्स ये हमारा सरसों का साग विलेज स्टाइल में रेडी हो चुका है। आप इसे ठंड के मौसम में बनाएं और खाएं, और हम अपना जो और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। तो इस ठंडे में सरसों का साग जरूर बनाएं और खाएं। थैंक यू।